नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्ने यानी कि पीसीस असेंडेंट का जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मीन लग्न में शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, मंगल और चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव वक्री होकर के आपके बारहवें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके राहु विराजमान है और राहु जो आपके लग्न पे विराजमान हुए वो 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान हुए। तो यहाँ पे 30 अक्टूबर 2023 से आपके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ेगा। जिद कम करने का प्रयास करें, किसी भी बात को जिद में नहीं पकड़े। और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से, तो यहाँ पे आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रह रहा होगा। और अगर आप अभी मेहनत करेंगे तो आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ देगा। आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और आपके छोटे भाई बहन हो गए उन पे आपका फोकस रहेगा, आपके पड़ोसी पे आपका फोकस रह रहा होगा। दूसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और चंद्रमा विराजमान है। हालांकि देखिए, मंगल यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो देखिए, अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से आपको सेविंग्स करने में दिक्कतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं आपका सेविंग्स खर्च हो जा रहा है, परिवार वालों से आपके मनमुटाव हो रहा है। और आपका दूसरा भाव जो है वो मंगल का है और मंगल यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, मंगल अपने राशि में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत आपका सेविंग्स कराएंगे, पर आपके परिवार वाले जो होते हैं उनको थोड़ा क्रोध भी ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे विवाद हो सकता है, विवाद से बचे और मनमुटाव से बचे। और जो चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा आपके पांचवें भाव के स्वामी है जो कि आपके दूसरे भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बना रहे हैं। तीसरे भाव में आपके गुरु विराजमान हैं और मंगल विराजमान होंगे 12 जुलाई से, और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हो गए 1 मई 2024 से और आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके दसवें भाव के भी स्वामी हैं गुरुदेव, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके छोटे भाई बहन पे आपका फोकस कराएंगे। काम के लिए अगर आपका कोई भाग दौड़ करा रहे हैं तो काम के लिए भाग दौड़ करें। ये जो पीरियड आपका अब शुरू हो रहा है, खासकर 1 मई 2024 से, तो अगर आप भाग दौड़ करेंगे तो आपका भाग दौड़ आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपको जो भाग दौड़ आप करेंगे उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको 4 जून से देखने के लिए मिलेगा। बॉस, पिता और आपके काम से आपका हिम्मत बढ़ेगा। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक। तो 12 जून से 6 जुलाई तक आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान है और सूर्य विराजमान है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो चौथे भाव में आपके सूर्य विराजमान हो रहे हैं और सूर्य आपके छठवें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 14 जून से 15 जुलाई तक आपको आपकी माता के साथ किसी भी विवाद से बचना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत विवाद हो सकते हैं और विवाद, अनवांटेड विवाद अगर होंगे ना, तो यहाँ पे आपके माता के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान दें। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके आठवें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके चौथे भाव में 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है, पर माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, वाहन संभाल के चलाएं, थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है, घर को लेकर के कुछ काम निकल सकता है आपके इस पीरियड में। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपके बच्चों का सुख आपको अच्छा मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके माता द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। पांचवें भाव में आपके
शुक्र 7 जुलाई को विराजमान हो रहे हैं, सूर्य 16 जुलाई को विराजमान हो रहे हैं, बुध विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के जो स्वामी है आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है ना वो होता है आपके संतति प्रेम पढ़ाई साधना का होता है। तो पांचवें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं और शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी है और आपके आठवें भाव के स्वामी है जो कि आपके पांचवें भाव में 7 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में विराजमान हो रहे हैं। तो 7 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा, आपके प्रेमी या प्रेमिका अगर है तो उनसे भी आपको हिम्मत मिलेगा और धैर्य की प्राप्ति होगी। पर यहाँ पे आपके बच्चों की थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है 7 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ सकता है, पढ़ाई में थोड़ी बहुत बाधाएं उनकी उत्पन्न हो सकती हैं। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं वे भी आपके छठवें भाव के स्वामी है जो कि आपके पांचवें भाव में 16 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। तो आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए उनको थोड़ा आप डिप्लोमेटिकली हैंडल करें 16 जुलाई के बाद। आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं, आप बोलेंगे कुछ वे समझेंगे कुछ, बात नेगेटिव वे में जाएगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे देखिए बुध भी विराजमान हो रहे हैं और आपका चौथे भाव कर्क का हो जाता है और बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, हालांकि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे थोड़ा विचलित महसूस कर सकते हैं 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। और चंद्रमा भी 7 और 8 तारीख को जब आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके बच्चों से विवाद हो सकता है, आपका प्रेमी या प्रेमिका अगर है तो उनसे विवाद हो सकता है, तो विवाद से आपको बचना है। कोशिश कीजिए कोई भी अनवांटेड टॉक्स में ना पड़े ताकि विवाद से बच पाए। हालांकि देखिए बुध आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके पांचवें भाव में विराजमान हैं, तो आपकी माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट्स हैं सरकारी एग्जाम से संबंधित अगर वे पढ़ाई का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 16 जुलाई से फेवरेबल समय रहेगा, पर यहाँ पे उनको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। मेहनत अगर ज्यादा करेंगे तो जाके उनको रिजल्ट मिलेगा, अगर मेहनत कम करेंगे तो फिर रिजल्ट मिलना मुश्किल जाएगा। छठवें भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 19 जुलाई से, शुक्र 31 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 12 जुलाई से पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है ना वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है और बुध जो विराजमान हो रहे हैं आपके छठवें भाव में वे आपके चौथे भाव के स्वामी है और आपके सातवें भाव के स्वामी है जो कि आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए चौथे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में 19 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं तो आपके शत्रु हो गए या फिर आपके मामा मौसी हो गए उनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। पर यहाँ पे एसिडिटी से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं आपको हो सकती हैं 19 जुलाई से और बुध आपके सातवें भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं तो आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए वे आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का नाश करने में 19 जुलाई से आपका मदद करेंगी। और जो शुक्र विराजमान हो रहे हैं वे आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके आठवें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके छठवें भाव में 31 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए तीसरे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं तो आपके शत्रु हो गए या फिर आपके कॉम्पिटिटर हो गए उनसे आपको हिम्मत मिलेगी। और यहाँ पे देखिए शुक्र द्वारा विपरीत राज्यों का भी निर्माण हो रहा है 31 जुलाई से तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारियां अगर आपको होगी तो उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है आपके छठवें भाव में 12 जुलाई से, तो देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि दोनों पड़ रही है तो मंगल शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है तो शनि की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को ऐसे भी शनिदेव कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए शुक्र द्वारा विपरीत राजयोग बन रहा है 31 जुलाई से तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का तो निश्चित तौर पर नाश होने वाला है। यहाँ पे आपके विवाद से आपको बचना है, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से वे एग्रेसिव थोड़ा बहुत हो सकते हैं जिसके कारण विवाद हुए तो विवाद से बचे। सातवें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है ना वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। देखिए केतु आपके सातवें भाव में विराजमान हुए 30 अक्टूबर से तो आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए उनको थोड़ा बहुत समझने में आपको मुश्किल जा रहा होगा, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, प्रिडिक्ट आप नहीं कर पा रहे होंगे। हालांकि देखिए गुरु की दृष्टि 1 मई 2024 से पड़ने लगी तो यहाँ पे आपके संबंध में मजबूती लाएंगे गुरुदेव, क्योंकि ये जो आपके सातवें भाव में दृष्टि पड़ रही है वो 1 मई 2024 से पड़ रही है और 14 मई 2025 तक पड़ेगी तो यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे गुरुदेव। और यहाँ पे आपके सातवें भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान हैं 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक,
तो 29 जून से 18 जुलाई तक अगर आप अपने प्रेम विवाह को लेकर के प्रस्ताव आगे रखना चाह रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए आपके प्रेम विवाह के भी योग आपके पत्रिका में होने चाहिए तो ये समय आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। वहीं जब आपके सातवें भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में 19 जुलाई से विराजमान होंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार आपके जो होते हैं वे आपका मदद करेंगे आपके कॉम्पिटिटर को हराने में। आपकी स्पाउस के साथ आप काम कर रहे हैं आपकी स्पाउस भी आपका मदद करने वाली है आपके कॉम्पिटिटर को हराने में। और आपके आठवें भाव में कोई ग्रहणी है पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए आठवां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। तो आठवें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है 1 जून से 11 जुलाई तक। तो यहाँ पे आपको 1 जून से 11 जुलाई तक थोड़ा संभल के रहना है, चोट पाट आपको लग सकता है। और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए सातवें भाव के स्वामी चौथे भाव में 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक विराजमान हो रहे हैं तो माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, घर वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं जब आपके सातवें भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में 7 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक विराजमान होंगे, बच्चों के पढ़ाई में थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न कराएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा फोकस करके पढ़ना रहेगा, अगर वे मेहनत करेंगे तो उनको रिजल्ट मिलेगा। पर अगर वे इजी वे से कोशिश कर रहे हैं कि मतलब लास्ट डे पढ़ लेंगे या फिर आपका जब होगा तब पढ़ लेंगे या फिर जैसे टाइम मिलेगा थोड़ा ध्यान इधर उधर डिस्ट्रैक्शन होगा तो उसमें फिर थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको आपके पढ़ाई को लेकर के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में 31 जुलाई से विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारी भी अगर आपको हो रही है तो उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है 1 जून से और शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं, 17 जनवरी 2023 से आपका लक फैक्टर आपका कम साथ दे रहा था। जैसा नसीब को आपका साथ देना चाहिए था वैसा नसीब आपका साथ नहीं दे रहा था। पर यहाँ पे देखिए 1 मई 2024 से गुरु की दृष्टि पड़ने लगी तो यहाँ पे आपके नसीब को तो निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे गुरुदेव। और यहाँ पे देखिए मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि भी 1 जून से पड़ रही है तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका अच्छा साथ देगा। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 1 जून से 11 जुलाई तक। देखिए 1 जून से 11 जुलाई तक सेविंग्स करने में आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देने वाला है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका सेविंग्स यहाँ पे आपका होगा। हालांकि देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है तो जैसा कि मैंने आपको बताया सेविंग्स करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पर 1 जून से 11 जुलाई तक यहाँ पे अगर आप सेविंग्स करने का प्रयास करेंगे तो आपका सेविंग्स होगा। और वहीं जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 12 जुलाई से विराजमान होंगे तो 12 जुलाई से आपके छोटे भाई बहन हो गए पड़ोसी हो गए वे आपके लिए लकी रहेंगे। अगर आप भाग दौड़ करेंगे कोई काम के लिए तो आपका नसीब आपका साथ देगा, पर भाग दौड़ करिए, भाग दौड़ नहीं करेंगे तो आपका नसीब आपका साथ नहीं देने वाला है 12 जुलाई से। और आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस हो गए उनसे आपके मन मुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई हैं 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ने लगी तो आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ बैलेंस करेंगे यानी कि सुधार लाएंगे, पर यहाँ पे 29 जून से 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा बहुत मन मुटाव हो सकता है। मन मुटाव से बचे, विवाद से बचे, 1 जून से आपके विवाद होने के भी योग बन रहे तो कोई भी अनवांटेड डिस्कशन में ना पड़े, कोशिश कीजिए विवाद से बचे। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। देखिए दशम भाव जो होता है ना वो होता है आपके बॉस पिता काम ऑफिस का होता है। तो देखिए मंगल की दृष्टि 12 जुलाई से पड़ रही है तो ऑफिस का माहौल थोड़ा बहुत गर्म हो सकता है, बॉस और पिता को थोड़ा क्रोध ज्यादा आ सकता है, थोड़ा डिप्लोमेटिकली इस समय को निकालिए। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो देखिए यहाँ पे आपके दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से तो बॉस पिता से आपको हिम्मती दिलाएंगे गुरुदेव, आपके काम से आपको हिम्मत दिलाएंगे, काम के लिए आपका भागदौड़ बढ़ाएंगे। तो भागदौड़ अगर आपका कुछ हो रहा है तो भागदौड़ कीजिए, उससे आपको रिजल्ट में मिलेगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक वे आपके 12वें भाव में ही विराजमान रहेंगे।
देखिए ग्यारहवा भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त पहचान के लोग, कम्युनिकेशन बड़े भाई बहन का होता है। तो ग्यारहवें भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से, तो यहाँ पे आपके इनकम के लिए तो शुभ फल ही प्रदान करने वाले हैं गुरुदेव। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, काम के लिए भाग दौड़ होगा और वहीं आपका भाग दौड़ से आपको इनकम भी होने वाला है। तो इनकम के लिए भाग दौड़ तो करना पड़ेगा, तो भाग दौड़ कीजिएगा। पर यहाँ पे देखिए आपके ग्यारहवें भाव के स्वामी आपके बारहवें भाव में ही विराजमान हो जा रहे हैं, तो जैसा आपका इनकम हो रहा है वैसे ही आपका खर्च भी हो जा रहा है 17 जनवरी 2023 से। पैसा सेविंग्स करने का प्रयास कर रहे हैं, सेविंग्स नहीं हो रहा है, पैसा खर्चा हो जा रहा है, दोस्तों पे आपका कुछ ना कुछ खर्च हो रहा है, बड़े भाई बहन पे भी हो सकता है कुछ आपका खर्च हो, कम्युनिकेशन को लेकर के आपका खर्च हो, तो यहाँ पे आप आपके खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। पर यहाँ पे जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड का काम कर रहे हैं, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं, या कोई भी विदेश संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लाभ के योग बना रहे हैं शनिदेव 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। और आपके बारहवें भाव में शनिदेव विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ग्यारहवां भाव और बारहवां भाव दोनों शनिदेव का है, तो बारहवें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक शनिदेव विराजमान रहेंगे। और आपके बारहवें भाव में शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो देखिए विपरीत राजयोग का शनिदेव निर्माण कर रहे हैं, पैसा खर्च कराएंगे, पर खर्च कराएंगे जिस चीज पे भी उससे आपको लाभ करेंगे, खर्चा करेंगे, खर्चा करने से आपको फल मिलेगा, आप पैसे से सब कुछ हासिल कर पाएंगे। विदेश जाने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ विदेश जाने में आपका खर्च होगा और आप विदेश भी जा पाएंगे, आरोग्य पे आपका खर्च बढ़ेगा और आपके पांव के तलवे में दर्द की समस्या भी थोड़ी बहुत आपको हो सकती है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 9 से 11 तारीख, 14 से 16 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ नियम पूर्वक करना है, ओम गणपते नमः का जाप करें, कोशिश कीजिए मंगलवार के दिन गणपति मंदिर या फिर अगर आप हनुमान मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। देखिए यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आपके नसीब में कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही है, तो आप शनिदेव को शनिवार के दिन तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं शनिवार के दिन और उसकी 7 बार परिक्रमा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और गुरुवार के दिन साईं बाबा या दत्त मंदिर जाएं, उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पर जरूर दबाइए, और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।